ऑन होगा सर। देखिए आज के जीएस में करंट अफेयर है सर, करंट अफेयर सर, करंट अफेयर्स एंड जीएस ये है, दोनों चीजें हैं, जनरल स्टडीज भी है करंट अफेयर। तो अभी अभी हाल ही में अभी लिखो नहीं मुझे, पहले हम लोग डिस्कस कर लिया किसी चीज को, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मुझे किया करो। बाकी अभी भी हाल में एक न्यूज आई है, उसके लिए कहा गया दक्षिण अफ्रीका में एक बीमारी है को खत्म करने के लिए, एरेडिकेट करने के लिए, एरेडिकेशन माने पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए एक वैक्सीनेशन अभियान कैंपेन चलाया। वो कौन सा देश है और कौन सी बीमारी है ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल अभी लेटेस्ट पता हूँ। देखिए सर और लिख लो, अफ्रीका देश है, अफ्रीका ने चलाई है, अफ्रीका देश आंसर है, और बीमारी का नाम है बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस। बताओ क्या होता है बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस? जो है हमारे ब्रेन, मस्तिष्क और मेर रज्जु यानी कि स्पाइनल कार्ड जो नीचे की जाती है, इसके इन्फेक्शन की बीमारी। क्या है सर? बैक्टीरियल, बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए अफ्रीका ने एक कैंपेन अभियान, टीकाकरण का अभियान चलाया है। प्रश्न ये है ये कब तक अभियान चलाया, ये कब तक के लिए? 2030। हाँ, मतलब अफ्रीका गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि वो इस वैक्सीनेशन कैंपेन के द्वारा 2030 तक बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस को खत्म कर, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में संजय कुमार शर्मा लिखो, हाल ही में संजय कुमार शर्मा को कहाँ का उच्चायुक्त बनाया गया है, हाई कमिश्नर? संजय कुमार शर्मा को किस देश का, भारत के लिए किस देश का उच्चायुक्त बनाया गया है, हाई कमिश्नर? दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। अच्छा, एक बार और, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है मालूम है? मालूम है? सियोल। सरलता वाला सा। अब तुम लोग हमसे एक क्वेश्चन कर सकते हो कि सर अभी तो आपने हाई कमीशन बताया, अब अभी आप अपनी जवान से पलट गए, राजदूत बता दिया, आखिर इसमें अंतर क्या है? उसे भी राजदूत बताते या इसे हाई कमिश्नर बताते? सर वो वहाँ की सरकार का है। अरे वहाँ की सरकार हो चाहे यहाँ की सरकार हो, सरकार तो भारत की भी यहाँ की भी है, इसको राजदूत बना दिया, इसके क्या नंबर ज़्यादा थे? ऐसा नहीं, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज
जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अधिकार में नहीं है वहाँ उच्च आयुक्त होता है और जो नहीं रही वहाँ ठीक दोनों सेम पोस्ट लेकिन ना ये हम बता रहे हैं दोबारा बता दीजिए जो जो कॉमनवेल्थ कंट्री कनाडा है क्यों कैसे जानते हो कनाडा है अरे एकदम बताओ तुम तो फर्स्ट घर पर क्या करते जा रहे हो पढ़ते हैं लेकिन फिर बहुत पढ़ने को है ऐसे मत पढ़ा करो ग्रुप बना कर पढ़ा करो भाई बहनों के साथ छोटे बड़े के साथ डिस्कशन किया करो कि चलो तुम्हें हम बनाते आज आईएस खेलेंगे खेलते हो फला नहीं खेल दिमाग के खेल तो अगर आप अपनी स्टडीज को खेलों के संग भाई बहनों के संग पड़ोसियों से जो कायदे के हैं उसके संग जोड़ के पढ़ोगे तो वो जल्दी समझ आएगा अभी कॉमनवेल्थ जब हम बता रहे थे तो मैंने बताया था पहला कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ था 1930 में कनाडा में हुआ था तो कुछ बच्चों ने पूछा था क्यों कनाडा नहीं क्यों हुआ तो वो कॉमनवेल्थ कंट्री है कॉमनवेल्थ कंट्री में तो कॉमनवेल्थ गेम होंगे ऑस्ट्रेलिया है हिंदुस्तान है और जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम या उसके अधिकार में या उसके उपनिवेश है देखो बेटा जब आप लिखना इसको तो गुलाम या अधिकार में शब्द का प्रयोग मत करना उपनिवेश का प्रयोग करना आप आधीन कर सकते हो लेकिन प्रॉपर वर्ड इज उपनिवेश हाँ आप भाषा को इस्तेमाल करोगे हिंदी अंग्रेजी जो भी भाषा है लेकिन शब्द वो इस्तेमाल किए हैं जो प्रॉपर इंग्लिश होते हैं चलता हुआ शब्द इधर उधर के शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए अच्छी बात है हम ये भी नहीं कह रहे तुम बहुत बड़े साहित्य की तरह इस्तेमाल करो लेकिन प्रॉपर आगे ये तो नागेश सिंह को किस देश का राजदूत बनाया गया है तीन क्वेश्चन राजदूत हुई है थाईलैंड थाईलैंड की थाई है यानी क्या कुछ चीजें करते हैं वो देख अगला प्रश्न देखो ऑपरेशन यूनिकॉर्न ये तो बड़ा बड़ा हो गया सब्जेक्ट का ये पर्सनल सवाल है ऑपरेशन यूनिकॉर्न अब जो नहीं आया है वो लिख तो लेगा तुम्हारी कॉपियों से ऑपरेशन देखिए ये एक प्रोटोकॉल सुनो करेक्ट यू आर राइट ऑपरेशन यूनिकॉर्न अभी डेथ किसकी हुई है महारानी अब महारानी एलिजाबेथ की डेथ कहाँ हुई है वो तो सर वहाँ पे स्विट्जरलैंड में हुई है हाँ स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड तो ऑपरेशन यूनिकॉर्न जो है वो एक प्रोटोकॉल है कि उनकी डेथ का समाचार किसको देना है किसको नहीं देना है पहले किसको देना है फ्लैग कितना झुकाना है या आगे उनकी बॉडी का क्रीमेशन वगैरह कैसे करना है तो ये ऑपरेशन यूनिकॉर्न एक प्रोटोकॉल है जो कि ब्रिटेन की महारानी के निधन के उपरांत लागू चलाया गया या लागू हुआ ठीक है अगला इसमें एक और लिख लो इसका आरंभ 1960 में हुआ था 1960 में सर हाँ 60 साठ है
इसका हरारा मतलब यूनिफॉर्म इसका एक और नहीं 1907 में पड़ी थी ऐसे थी सर इसका एक और भी है ऑपरेशन सर जहाँ पे उनकी राजा का आगे बता रहे यहाँ पर इनका अंतिम संस्कार हुआ कहाँ हुआ लंदन वो भी एक ऑपरेशन वो भी एक प्रोटोकॉल है उसका भी एक नाम है उसका नाम है लंदन ब्रिज लंदन ब्रिज लंदन ब्रिज हाँ ऑपरेशन है लंदन ब्रिज लंदन क्या क्या बोलते अंतिम संस्कार महाराजा तृतीय बने अभी बता दे उन्हें भी लाइन पकड़ दे देखिए इसके अंतर्गत इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत देखो बेटा इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत महारानी के अंतिम संस्कार को अंतिम संस्कार की अंतिम संस्कार की योजना तैयार की और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये सब टेढ़े मेढ़े आएंगे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आएगा हाँ आज हम पेपर वैसे ही लेंगे हम जब पेपर आपका पेपर लेंगे बनाएंगे अभी हमने एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया है क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है उसका लंबा नया प्रैक्टिकल है तो उसके बाद हम लेंगे तो उसको उसी तरीके से इस ऑपरेशन का यानी कि ऑपरेशन लंदन ब्रिज की बात कर रहा हूँ इस ऑपरेशन का कोड नेम कोड नेम क्या कोड नेम आपने यूनिफॉर्म का नहीं लंदन ब्रिज कोड नेम है लंदन ब्रिज देखो बेटा राइट डाउन इन इंग्लिश लंदन ब्रिज इज डाउन इज आई एस इज डाउन 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 नेक्स्ट लिखिए ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड स्प्रिंग टाइड 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 नाम बड़ा बहुत का ई होगा टाइड ये जो तुम बता रहे थे वो है ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड देखिए इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत किंग थर्ड किंग थर्ड तृतीय राजा तृतीय किंग थर्ड के सिंहासन पर बैठने और प्रथम बार उनकी यूके देशों यूनाइटेड किंगडम यूके देशों की यात्रा की योजना निश्चित है निश्चित है ये लिखने को भी आ सकता है मेंस में ये बता दिया समान का ठीक अब प्रश्न ये है कौन से देश के वो हाँ यूके कौन कौन से देश है यूनाइटेड किंगडम माने तो यूनाइटेड माने तो सामने तो वो पूरा यूनाइटेड किंगडम का राजा है तो ये कहाँ कहाँ जाएगा अरे नहीं यूनाइटेड किंगडम की बात करो ना ऑस्ट्रेलिया में जाएगा तो मार खाएगा वो क्यों जाएगा ऑस्ट्रेलिया तो बात होगा देखिए इंग्लैंड
राइट डाउन ना अपनी यात्रा सुनी हो इंग्लैंड उत्तरी आयरलैंड और वेल्स इन जगहों पर जाएगा हैं इन जगहों पर जाएगा ये यूनाइटेड किंगडम भाग है भाग है सर ये पहले जब राजा बनके कैसे पहले कहाँ जाएगा आयरलैंड जाएगा उत्तरी वो भी दक्षिणी नहीं सिर्फ उत्तरी ये आपको मेंशन करना है आयरलैंड लिखोगे तो तब नंबर नहीं मिलेंगे उत्तरी आयरलैंड का थोड़ा हिस्सा उसमें शामिल है उत्तरी आयरलैंड जाएगा वेल्स जाएगा इंग्लैंड जाएगा इनको मिला के यूनाइटेड किंगडम बना है याद रखना ये बात सर केवल तीन ही देश हैं सर इसमें अब तो पूरे दुनिया भर में यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहा हूँ वैसे तो ऑस्ट्रेलिया कनाडा भारत इसके यूनिवर्स तो सभी रहे अपने यूनिवर्सन थोड़ी जाएगा अपने ही देश के भागों में जाएगा अपने ही देश के भाग को जैसे यहाँ कोई राजा बना प्रधानमंत्री बना तो पहले केरल जाएगा आंध्र प्रदेश जाएगा कहाँ जाएंगे अच्छा अगला सवाल लिखो बेटा ये तो ऑपरेशन तीन हो गए नो बात खत्म हो गई ऊपर के हमारे राजदूत और हाई कमिश्नर हो गए अब अगला प्रश्न भारत ने शीतकालीन ओलंपिक खेल जो कि जाओ शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का राजनैतिक बहिष्कार किया ठीक बात खराब हो गई प्रश्न ये लिखा होगा वहां प्रश्न और वहां और भी तमाम इसको जोड़ जाने का का सही खा सही गा सही का गा दोनों सही घा का दोनों सही दोनों सही है दोनों गलत इसका लिखा इस तरीके से आएगा क्वेश्चन हाँ तो ये प्रश्न ये नहीं होने वाले कहाँ थे ये होने वाले थे चीन चीन चाइना और चाइना के कहाँ बीजिंग है लेकिन क्वेश्चन तो कह रहे हैं कि सर भारत के शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन भारत ने में तो भारत ने भारत ने है एक सबसे बड़ा प्रश्न लग रहा है ठीक है और इसी में एक अगला प्रश्न इसी में कहीं क्या रहा है भारत ने शीतकालीन अभी तो सर ये होंगे सर उनका आवश्यकता शीत अभी तो ये सर होने वाले होंगे सर आगे शीतकालीन में अभी तो चलो अभी तो होंगे ना अभी तो 2026 में रुको इसी में रुको 2026 में इसी में हाँ इसी का खंड है 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होंगे तो ये इटली में सर इटली जापान की राजधानी है सर है इटली सर जापान की राजधानी है सर इटली की राजधानी क्या है इटली की और फ्रांस की क्या है अरे ये कोई बात नहीं ऐसे बताओ रोम हाँ हैं
क्या विशेष पक्षी आगे भारत के किस प्रांत में मिला था? Indian Council of Historical Research.
इंडियन काउंसिल के वर्तमान में अध्यक्ष। तो ये हैं प्रोफेसर अमित शेखावत। अमित शेखावत प्रोफेसर जरूर लगाना है। प्रोफेसर अमित शेखावत। शेखावत हाँ ब्रैकेट में देखो एक जगह और लिखा था शेरावत। शेरावत दो लिखे थे दो शेरावत दो क्या शेरावत दो नाम है मतलब दोनों में से जो भी लिखा हो जो भी लिखा सर। कल एक सवाल आपने पूछा था बताया था उसी वही सवाल है कि देश का प्रथम वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ नागपुर महाराष्ट्र नागपुर महाराष्ट्र बिल्कुल सही है सर। फिर वो ना वो मुझे बिना क्या बोल अगला क्वेश्चन नारकोटिक्स मतलब नशीली जो दवाई वाला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में नशीली दवाइयों पर कंट्रोल रखते हैं नारकोटिक्स एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हाँ जी कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक हैं। तो ये है सत्यनारायण प्रधान हाँ इसीलिए तो करंट कर रहा है सत्यनारायण प्रधान। एक सवाल और है लालंदर जो हम बोल रहे हैं वही दावरा लालंदर हाँ पहली बार बताओ आम भाषा में इसको क्या कहते हैं को सर ये हमारी भाषा नहीं है किसी और देश की बताइए शहतूत शहतूत अरे वो कैसे शहतूत ठीक आप सवाल ब्रैकेट लिख लो बेटा हम लिखे दे रहे लिखे बेटा लिखना है लालंदर निर्माण योजना किस देश में है ठीक है तो इसके बारे में आप लिखिए ब्रैकेट में एक और चीज लिखो लाल दिल्ली का शहतूत समझाइए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है लालंदर कहाँ इसको समझाइए तो लिख लीजिए ये अफगानिस्तान भारत सहायता कर रहा
पाकिस्तान ने अपनी नाराजगी प्रदर्शित की। ठीक, यानी कि भारत ने इस परियोजना के निर्माण में सहायता की है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान में नाराजगी जताई है
परियोजना के अंतर्गत आते हैं। बांग्लादेश इन द्वीपों पर लगभग 1,00,000 इन द्वीपों पर लगभग 1,00,000 रोहिंगा, समझ रहे हो? नाम सुना रोहिंगा? रोहिंगा शरणार्थियों के लिए मकान बनवाए थे बांग्लादेश। आज आप भैया तो क्या हमने बोला था आपको भाषण ठेंगर चार दीप, तो ये कहाँ एक योजना है, आश्रय योजना है, ठहरने की योजना है, किसकी है? बांग्लादेश की है। कौन ठहरेगा? रोहिंगा शरणार्थी ठहरेगा। इसकी संख्या होगी लगभग बांग्लादेश ने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 1,00,000 शरणार्थियों को हम शरण देंगे आश्रय परियोजना के अंतर्गत। न्यू दिल्ली बना रही है लेकिन उसका विरोध हो रहा है, बंगाल में बन रही है। ये बात आगे असीम कैप्टन ने लिखा था, ये तो हिंदी में लिखा है असीम, ए एस ई ई एम, ए एस ई ई एम असीम, ये है ये पूछा गया था। तो ये एक पोर्टल है, जैसे मोबाइल पोर्टल पोर्टल एक पोर्टल है, हर विभाग का होता है, उसको दबाओ तो उस विभाग के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो ये एक पोर्टल है जिससे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक yes, sir. मतलब कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार का है, उसने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर भारत। अब जो हाल है राजा राम, हाँ चलो यूरोपिया यूरोपिया यू लो या ला यूरोपिया यूरोपिया क्या यूरोपिया यूरोपिया ला यूरोपिया ओबूसा नाम है, बॉटिकल है ओब ओबा ओबूसा क्या सर? क्या नाम आते हैं तो नाम सुन के घबरा जाते हैं, क्या होगा सर? क्या
ये है क्या है? ये ऑर्किड, ऑर्किड हाँ प्रजाति का एक पौधा है। ये सर ऑर्किड से फूल होता है सर, अभी बताइए आपको। ऑर्किड प्रजाति का एक पौधा है जिसे कुछ दिनों पहले दुधवा टाइगर रिजर्व में वैज्ञानिकों ने खोजा था। रेड डाटा बुक में इसे संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में रखा गया है। प्रजाति के रूप में रखा गया है ठीक है कि अब ये खत्म हो जाएगा संकटग्रस्त। ये एक प्रजाति है ऑर्किड की। ऑर्किड एक ईपीफाइट है। बायोलॉजी अली पढ़ी लोगों में से किसी ने पढ़ी तुम पढ़ी तो ईपीफाइट जाते हो कौन से पौधे होते हैं जो पौधों के ऊपर जब आते हैं जंगलों में या बड़े बड़े गार्डन्स में या और जगह देखा हुए बड़े पेड़ हैं उसके ऊपर जम जाते हैं उनके तनों पर ब्रांचेस पर तो वो ईपीफाइट प्लांट है। उनकी जड़ें लटकती रहती हैं और वो उस पर लग जाती हैं। तो ये ऑर्किड उसी प्रकार का ईपीफाइट प्लांट है और इस ऑर्किड की एक प्रजाति है जो मैंने आपको लिखाई है। इनको कहाँ खोजा गया है? दुधवा टाइगर रेंज में। और रेड डाटा बुक क्या होती है? ये सब एक एक खंड की जानकारी होनी चाहिए। रेड डाटा बुक मतलब सर ये लिस्ट वगैरह किताब वगैरह होती है हैं? लिस्ट वगैरह होती है संख्या करके या नष्ट पगार पर या बिल्कुल नहीं। अरे आप ये क्वेश्चन आपका इसका भी है इकोलॉजी का इन्वायरमेंट। तो रेड डाटा बुक वो पुस्तक है जिसमें कि संकटग्रस्त संकट में आने वाली प्रजातियों का जो है वो लेखा जोखा होता है। तो रेड ये विश्व लेवल की है। रेड डाटा बुक में इस रखा गया है क्योंकि अब ये खत्म हो सकती है किसी भी समय। पूछा जाएगा नाम मैंने लिखाया कि क्या है, पूछा जाएगा ये किसकी प्रजाति है, ये भी पूछा जा सकता है इसको किस किताब में रखा गया है, क्यों रखा गया है। ये पूरा पूरा वाक्य लिखा देते हैं उसमें कई क्वेश्चन बन जाते हैं। ये ध्यान में क्वेश्चन है ये क्वेश्चन और ना ऐसे क्वेश्चन जो हमने डायरेक्ट लिखाए हैं ये जो हमने लिखा है ना ऐसा कोई क्वेश्चन आए ये भी बता दें। सोचिए मनन कीजिए दे दिया प्रजात का नाम इसको हरी किताब में रखा गया पीली किताब में रखा गया लाल किताब में रखा गया रखा ही नहीं गया। हमने तीन दे दिए का खा गा ABCD दोनों सही है ये सही है ए बी दोनों सही है ए सी तीनों से ये सही है डी सही है कोई भी नहीं सही है कोई भी नहीं जो भी है पांच दिन कोई भी नहीं सही। इस तरीके से सवाल आएंगे ध्यान रखिएगा। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ देश के किस हिस्से में है? मेघालय में साउथ इंडिया दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ कहाँ हैं? और अभी हाल ही में पिछले वर्ष हालांकि ये केस हो चुका है CDS वाला केस कब हुआ था? CDS वो
बिपिन रावत गुड वेरी गुड हाँ वो नीलगिरि पहाड़ियों पर एक त्रिशुवतम का एक तो ये आर्मी से कैसे रिलेटेड है कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है ये ध्यान रखिए एक यंत्र उस यंत्र का नाम है सोना सोना सर समुद्र की गहराई नापने वाला था इतने को तो कहते हैं सर यूनिट है फायदा यूनिट है और सोना क्या है नहीं समुद्र से संबंधित है या मिट्टी का सॉफ्ट स्टैंड अरे उसे हम उसकी पेपर में नहीं पूछ रहे बेटा कि पेपर में जो लिखा होगा तुम उसको काटोगे और ऐसा मत करो जैसे पेपर पूछा जाता है प्रश्न ये कि सोनार एक यंत्र है इसका उपयोग किस लिए होता है समुद्र की गहराई में समुद्र की किस गहराई पर कौन सी वस्तु स्थित है और उनके बीच की दूरी है यानी कि समुद्र के अंदर स्थित ऑब्जेक्ट की जानकारी प्राप्त करता है ये कहाँ लगा होगा प्रत्यावर्ती धारा आज तक इसका क्वेश्चन था तो हमने प्रत्यावर्ती धारा सुनो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्टकारी धारा दुष्ट मतलब दिष्टकारी धारा में बदलने के लिए किस तकनीक का किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते तुम बताओ अब तुम्हारी मार्ग कोई रोक ही नहीं सकता कोई नहीं रोक सकता तुम कैसे तुम अपने बदल कितनी तेजी से लाएंगे इतनी तेजी से चक्की भी नहीं चलती है देखो अल्टर जो हमारी ये बिजली है ये अल्टरनेटिव है अल्टरनेटिव AC है अल्टरनेटिव करंट और जो बैटरी की होती है वो DC होती है ठीक सुनो तो मेरी बात सुनो इसने क्या कहा भले आदमी ने अल्टरनेटिव यानी AC को हम DC में बदल रहे हैं अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलें तो कौन सी टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है या किसका प्रयोग करते हैं हम आपसे कतई नहीं बोलेंगे हम तो तुमसे पूछेंगे क्योंकि तुम मास्टर डिग्री लिए हुए हो फिजिक्स में रेक्टिफायर एम्पलीफायर अलग चीज है एम्पलीफायर इसको बढ़ा देता है एम्पलीफायर तो ये रेक्टिफायर सर यहाँ इन्वर्टर भी कह सकते हैं ना कतई नहीं उल्टा है इन्वर्टर उल्टा बिल्कुल किसी एक रेक्टिफायर का नाम जो तुमने MSc लेवल पर BSc लेवल पर इंटर लेवल पर पढ़ा हो डायोड बाल डायोड ट्रायोड बड़े हैं हाँ क्या चलो क्लैथ रेट क्लैथ क्लैथ देखो तो
ATHRET अंग्रेजी में है क्या है बताओ बताओ भाई केमिस्ट्री वाला है नहीं ये बता देता इसके माने सवाल केमिस्ट्री का है हम कह रहे हैं केमिस्ट्री वाला नहीं बता देता इसके माने सवाल केमिस्ट्री का है सर ये यौगिक है सर यौगिक पक्की बात है केमिस्ट्री में है यौगिक है ये समझ ना लीजिए नियम बनाओ सबके प्रभाव है बोलो ये एक प्रकार का ईंधन ईंधन प्रश्न ये कहाँ है कहाँ मिलता है समुद्र की तलहटी में पाया जाने वाला एक प्रकार का ईंधन लिख लो ये मेंस और प्री दोनों में काम आएगी कापी तुम्हारी को ध्यान रखना इस कापी को जो है रद्दी वाले बेच मत देना रद्दी वाले बेचने पैसे मिलते हैं ना उससे ये बहुत इम्पोर्टेंट कापी है तुम्हारी ये ब्लैक में भी नहीं आएगी लेना मत ये एक प्रकार का ईंधन लेकिन इसको जलता क्या है सर समुद्र की तलहटी में पाया जाने वाला एक प्रकार का ईंधन है फ्यूल ठीक ना ना जी इसमें है क्या चीज जो ईंधन का काम मीथेन मीथेन सी एच फोर ठीक है अगला क्वेश्चन है मिथाइल आइसोसाइनेट यस सर आगे को समझाओ इसकी शॉर्ट फॉर्म MIC तो हुई मिक हिक भोपाल त्रासदी गैस 1984 बिल्कुल सही तुम्हें पूरे पूरे नंबर हम दे रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहा है बिल्कुल सही 1 दिसंबर 1984 की नाइट में हुई थी दो को सबको खबर नहीं भोपाल है कहाँ है भोपाल मध्य प्रदेश उसकी राजधानी है मध्य प्रदेश ठीक उस समय इसका निदेशक कह लो मालिक कह लो कौन था उसका क्या नाम था जिसमें सर त्रासदी हुई थी और क्या भाई पकड़ा तो वही जाएगा लीकेज उसी की हुई थी पकड़ा तो वही जाएगा एंडरसन एंडरसन है अमेरिकन था अमेरिका पूरी फैक्ट्री का एंडरसन मिली थी उससे क्या मतलब उसने चार बार कहा होगा उन्हें ठीक है क्या है आर्टिफिशियल रबर कोको तो हाँ लिख लो है तो हो ही हम क्या करें इसका
अरे चुप भाई जबरदस्त। इसका उपयोग रॉकेट में ठोस ईंधन के रूप में किया जाता है, ठोस ईंधन, ठोस ईंधन। अरे तो ठोस ईंधन के रूप में किया जाता है। द्रव भी ईंधन हो सकता है, गैस भी ईंधन हो सकती है, और ये ठोस भी ईंधन हो सकता है। पहले हम लोग कौन सा ईंधन इस्तेमाल करते थे पुराने जमाने में? तुम लोग तो जरा जरा सोचो, कोयला, लकड़ी, तो ये ठोस ईंधन। फिर तेल ईंधन आया, मिट्टी का तेल, तेल ईंधन हो, मतलब मनुष्य की बात कर रहा हूँ, मनुष्य जाति वो तेल ईंधन हो गया। और उसके बाद गैस ईंधन, अभी जल्दी बंद हुआ। आगे बात है, एक क्वेश्चन और है, न्यूप्रीन, न्यूप्रीन कैसा, न्यूप्रीन ग्रीन, न्यूप्रीन क्या है? यस यू आर राइट, वेरी गुड, शाबाश। ये है बहुत कैसा है, ये है देख लो, टू क्लोरो, टू क्लोरो ब्यूटाडाइईन का बहुलक या पॉलीमर है। तो दोबारा बोलो, ये क्या बता रहा है? ये है टू क्लोरो ब्यूटाडाइईन का बहुलक या पॉलीमर झूल है। अरे है तो है, अब आखिर इसका उपयोग क्या है? ये पॉलीमर है तो इसका उपयोग क्या है? न्यूप्रिंट, हाँ न्यूप्रिंट का उपयोग क्या है? है विद्युत तारों को, लिखो बेटे, विद्युत तारों को विद्युत रोधी बनाना, विद्युत तारों को उसको एक रबर ऐसी चाहिए होती है, विद्युत तारों को विद्युत रोधी बनाने में ताकि झटका ना लगे। प्लास्टिक का कवर, अरे कह दो तुम प्लास्टिक, कह दो कुछ भी कह दो, मतलब प्लास्टिक हो जाती है, मतलब एक्चुअली ये होता है नहीं। माउंट आबू गुरु शिखर से ऊंचा नहीं,
और इसकी खासियत क्या है अरावली की? विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन, भारत की नवीनतम पर्वत कौन सा है? पर्वत श्रेणियां कौन सी है? नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी झील किस प्रदेश में और उसका नाम? चिल्का झील उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा। खारे पानी की झील है। हाँ, और इसमें पर्यावरण की दृष्टि क्या क्या है? पर्यावरण की दृष्टि से क्या महत्व है इसका? अरे बारे मगरमच्छ जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी यहाँ बहुत है। यहाँ सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी है, ऐसा है चिल्का, चिल्का झील उड़ीसा। एक सवाल हो गया। डोडा बेटा शाबाश, मालूम है ये पहाड़ी है, सबसे ऊंची पहाड़ी है। किस किन पहाड़ियों की सबसे ऊंची पहाड़ी? नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी प्रश्न ऐसे आया था कि ये नीलगिरी की है। डोडा बेटा ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी।
अगला अब देखते भूगोल का, अरे तुम देख लेना आपने को शोर मचा रहे। अगला सवाल है, किस शासक ने, यानी भारत के किस शासक ने, नाम है पुराना शासक है नया नहीं है, किस शासक ने 1510 में पुर्तगाल के गवर्नर, पुर्तगाल राजधानी मालूम हो किसकी, पुर्तगाल की राजधानी मालूम ये लिस्बन हाँ, क्या लिखा है, किस क्या लिखा, पुर्तगाल के गवर्नर हाँ अल्बुकर्क, कौन सा व्यापारिक समझौता किया, कौन सा, और दूसरा इसी में सवाल है शासक का नाम, किस शासक बोला है शासक पंचम वेद, पंचम वेद वेद पंचम वेद ठीक, पंचम वेद से बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो आए हुए हैं इम्पोर्टेंट है या नहीं हुए हमको नहीं मालूम, आ चुके हैं या आने नवीन जो हैं
वो तो अभी आए नहीं है, वो तो आने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और कुछ जो आ चुके हैं तो फालतू कुछ ये है। ठीक है, एक आप यहाँ खंड है नैतिकता, नीति शास्त्र, ये लिखने वाला तो है क्या नीति शास्त्र, ऐसे जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे आचार विचार होते हैं उनके बारे में बताना ये है केस। हमने आचार विचार किसी के आगे प्रस्तुत करना किसी एक वाक्य के बारे में ये है केस। किसी समाज का लोकाचार, उसकी आचार संहिताएं बंद करते सर, उसकी